पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी के मुंबई और दिल्ली समेत देश भर के 17 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। 5100 करोड़ के हीरे बरामद। मुंबई के घर को किया गया सील। नीरव मोदी ने पीएनबी को चिट्ठी लिखकर 6 महीने में 6400 करोड़ रुपए लौटाने का किया वादा। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा केंद्र सरकार की रजामंदी के बिना नहीं हो सकता घोटाला। पीएनबी में 11,356 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। पीएनबी घोटाले पर कांग्रेस के आरोप पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का पलटवार। कहा घोटाला कांग्रेस के शासनकाल में शुरू हुआ। कांग्रेस ने नीरव को छोटा मोदी कहकर पीएम मोदी पर साधा था निशाना। अंकित सक्सेना को मुआवजा देने पर आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने किया ट्वीट। कहा सरकार ने ऐसे किसी कर्मचारी को मुआवजा नहीं दिया जिसकी ड्यूटी के दौरान मौत नहीं हुई हो। सौरभ भारद्वाज के ट्वीट पर बीजेपी ने किया पलटवार। कहा ड्यूटी पर मारे गए लोगों को केजरीवाल सरकार ने नहीं दिया मुआवजा। पूर्वी दिल्ली के मधुविहार में वैलेंटाइन डे के दिन एक पति ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों से तंग आकर रेलवे ट्रैक पर खुदकुशी कर ली। शहीद हरिओम गहलोत के परिवार ने दिल्ली सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि 1 साल बीतने के बावजूद सरकार ने परिवार को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी गई। दिल्ली के शाहदरा के रोहतास नगर इलाके में 4 बदमाशों ने एक बिल्डर के दफ्तर में घुसकर उसके कर्मचारियों से पहले मारपीट की और फिर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस शूटआउट में 2 लोगों को गोली लगी। दिल्ली के गोकलपुरी में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो मोबाइल के IMEI नंबरों को बदलकर उसे बेचता था। आरोपियों ने IMEI नंबर बदलने की तकनीक इंटरनेट से सीखी थी। पुलिस ने इनके पास से करीब 35 मोबाइल बरामद किए हैं। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू। दिल्ली के करीब 1700 स्कूलों ने पहली लिस्ट जारी की। पेरेंट्स 16 फरवरी से 20 फरवरी तक शिक्षा विभाग में जाकर अपनी शंकाओं को दूर कर सकते हैं।